और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। 2014 के चुनावी जुमलों में शामिल था विकास, और आज वह विकास कहां मिला है? बांग्लादेश में तो मिल गया है, देश का विकास तो निश्चित तौर पर लापता है। इसी तरह से रामराज, उत्तर प्रदेश में रामराज के जो लंबे चौड़े दावे हैं, इसकी मिसालें एक के बाद एक योगी राज में हमारे सामने आ रही हैं, और सारी की सारी देश में कानून व्यवस्था का जो आलम है उसकी कहानी हमसे और आपसे कह रही है। हमने रामराज का चर्चा किया, आपने सोचा होगा हम सिर्फ हाथरस का चर्चा कर रहे हैं। नहीं, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रोज ही उत्तर प्रदेश खबरों में बना हुआ है। हाथरस की बलात्कार पीड़िता को न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, यह तो हमारे और आपके सामने इस समय का सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है ही। लेकिन बलिया में जो हुआ, जो कैमरे पर भी रिकॉर्ड है, उससे पता चलता है कि भाजपा के नेताओं ने किस तरह से कानून व्यवस्था को सिर्फ अपने पास रखा है। गोलियां दाग रहे हैं, फायरिंग हो रही है, 11-11 राउंड फायरिंग हो रही है, और वो फरार हो जाते हैं। एक आदमी की मौत हो जाती है, एक आदमी की हत्या करके जब सारा सरकारी अमला, एसडीएम, बीडीओ, सीईओ सब लोग मौजूद हैं, सबके सामने खुलेआम भाजपा के नेता धीरेन्द्र प्रताप सिंह फायरिंग करते हैं, हत्या करते हैं। कुछ शॉट्स कैमरे पे दर्ज होते हैं, किसी ने मोबाइल पे शॉट लिया, और उसके बाद वह व्यक्ति फरार हो जाते हैं और उनके समर्थन में उतरते हैं वही आपके और हमारे प्यारे विधायक। जी हां, सही समझा आपने, सुरेंद्र सिंह। वही सुरेंद्र सिंह जो हाथरस बलात्कार कांड के बाद समझा रहे थे हमें और आपको कि बलात्कार करना तो मर्दों का काम है, माता पिता का काम है अपनी लड़कियों को संस्कारी बनाना, क्योंकि तभी बलात्कार को रोका जा सकता है। यही विधायक, इन्हीं विधायक के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि फायरिंग करने वाला, हत्या करने वाला इन्हीं का व्यक्ति था, उसके बचाव में वे उतरते हैं और क्रिया प्रतिक्रिया की बात कुछ करते हैं। कितनी बात स्थापित हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, वह अलग बात है, लेकिन जो कुछ हुआ उसे लोगों ने सामने सामने दर्ज किया। बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर में कोटे की दुकान यानी राशन की दुकान के लिए जिस तरह से सरेआम फायरिंग हुई, एक व्यक्ति की हत्या हो गई, उससे यह भी बहुत साफ है कि भाजपा से जुड़े नेता किस तरह से एक एक ठेके को लेने के लिए, एक राशन की दुकान का टेंडर लेने के लिए हमलावर है, हत्या करने पर उतारू हैं। और इस पर पूरा का पूरा प्रशासन दूसरे ढंग की खामोशी बरता रहता है। आप देखिए, ये वही पुलिस है, उत्तर प्रदेश की वही महान पुलिस, जो एक के बाद एक तमाम पत्रकारों को निशाने पे ले रही है, उनके खिलाफ मामले दर्ज कर रही है। आप एक ट्वीट कर देते हैं, प्रशांत कुनौजिया ने एक ट्वीट किया और तब से लेकर आज तक वह जेल के अंदर बंद है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो सरेआम फायरिंग कर रहे हैं, कई राउंड्स गोलियां बरसा रहे हैं, वे पूरा का पूरा महकमा होने के बावजूद फरार हो जाते हैं। सवाल यह नहीं है कि कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, सवाल योगी जी यहां पर यह है कि किस तरह की कानून व्यवस्था आपने बना रखी है जहां पर लोग बिना डरे, बिना किसी भी तरह का खौफ खाए कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और यह बताने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनके हिसाब से एक राशन की दुकान का भी आवंटन नहीं हुआ तो वे खून की नदियां बहा देंगे। हम लगातार बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को योगी सरकार ने मध्ययुगीन बर्बरता में ढकेल रखा है, और यह जो दबंग जातियां हैं, जिस तरह की दबंगई दिखा रही हैं, उससे यह बात 100% प्रमाणित होती है। हाथरस की बलात्कार पीड़िता इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने अपना डाइंग डिक्लेरेशन दिया यानी मरने से पूर्व बयान दिया, परिवार
लगातार इंसाफ के लिए गुहार कर रहा है। बीच में अलग अलग ढंग की खबरें हमारे सामने आ रही हैं कि उनका यह फुटेज नहीं है, उनका वह फुटेज नहीं है, और एक अलग ढंग की आशंका चारों तरफ छाई हुई है। और इसका बहुत ठोस कारण है कि उन्हें न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इससे पहले हमने देखा था कि भाजपा के नेता कुलदीप सेंगर जब बलात्कार के मामले में फंसते हैं उन्नाव में, पूरा का पूरा पीड़िता का परिवार ही गायब हो जाता है। और इसी से जुड़ा एक और मामला है जो ठीक एक साल पहले सामने आया था, लोग बहुत जल्दी उसे भूल गए, लेकिन दोबारा वह सुर्खियों में है। यह मामला है भाजपा के नेता चिन्मयानंद से जुड़ा हुआ। वही चिन्मयानंद जो भाजपा के सांसद रहे, केंद्रीय राज्य गृह मंत्री रहे, शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, और यहीं पर स्वामी शुभदेवानंद विधि महाविद्यालय उनका ट्रस्ट चलाता रहा है। इनके ट्रस्ट के इस विद्यालय में एक छात्रा पढ़ती थी। इस छात्रा ने बहुत ही मजबूरी में और बहुत ही बहादुरी के साथ यह आरोप लगाया, सोशल मीडिया पर वह आई थी और उन्होंने कहा था कि किस तरह से चिन्मयानंद यौन शोषण करते हैं, किस तरह से बंदूक की नोक पर बलात्कार होता है। उन्होंने बकायदा खुद फुटेज हासिल किया था, उसकी कहानी उस समय तमाम लोगों के सामने आई थी कि किस तरह से ये जो भाजपा के नेता हैं, यह कम उम्र की लड़कियों से मसाज करवाते हैं, यौन शोषण करते हैं। इसे सब इस बहादुर लड़की ने अपने पूरे के पूरे अपने एफर्ट्स से खुद मेहनत करके जान को जोखिम में डालकर दर्ज किया था। इसका वीडियो जान पर खेलकर सोशल मीडिया पे डाला था और अपील की थी कि इस आदमी के खिलाफ जो अपने नाम के आगे स्वामी लगाता है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत पब्लिक प्रेशर बना, कुछ समय के लिए लगा कि इंसाफ होगा, गिरफ्तारी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर पूरा का पूरा मामला पलट गया। और किस तरह से पलटा यह सोचकर गहरा दुख होता है। यह लड़की एक साल तक तमाम तरह के दबाव झेलने के बाद, तमाम तरह के अपराध भरी एफआईआर और उत्पीड़न की तमाम कार्रवाई झेलने के बाद अंततः टूट गई। इन्होंने सामने आके बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो कुछ भी मैंने कहा वह सही नहीं था। और हम और आप जो इसे सुन रहे हैं, हम सब जानते हैं कि यह कहने पर किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने इसे मजबूर किया होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से इस लड़की के ऊपर, इस लड़की के समर्थन में आए उसके दोस्तों के ऊपर रंगदारी का मामला लगा था, ब्लैकमेल का मामला लगा था, जेल तक की हवा खानी पड़ी थी तमाम लोगों को। और आज देखिए कि जिस समय उत्तर प्रदेश में हाथरस की पीड़िता के न्याय की मांग तेज हो रही है, उस समय चिन्मयानंद के ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाने वाली लड़की अपना बयान वापस लेने पर मजबूर होती है। और शायद यही है योगी सरकार का रामराज, जहां पर बलात्कारी हत्यारे तो बाहर हैं, सामने कैमरे पर गोली चला रहे हैं, और वहीं अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ने वाली लड़कियां, महिलाएं, उनका परिवार किस तरह से खौफ के साय में जी रहा है, इसकी ताजा मिसाल चिन्मयानंद का यह मामला है। उत्तर प्रदेश में जहां रामराज की बहार है, वहीं बिहार में चुनाव की बहार है। चुनाव की तैयारी में तमाम लोग उतरे हुए हैं, तमाम राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, गठबंधन उतरे हुए हैं, जिन पर हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन आज बात एक लड़की की, बहुत नौजवान लड़की जिसने ग्रेजुएशन किया है, स्नातक किया है कानपुर से, और वह भोजपुरी भाषा को वही प्रतिष्ठा पहुंचाना चाहती है जो भिखारी ठाकुर ने दी थी या गौरव पांडे ने दी थी। उन दोनों को वो बहुत शिद्दत से याद करती हैं। इन दिनों बहुत वायरल हैं वह, उनके जो गाने हैं वह जबरदस्त देखे जा रहे हैं। इनका नाम है नेहा सिंह राठौर। नेहा भोजपुरी भाषा में लगातार गा रही हैं, खुद ही लिखती हैं, दोस्तों के साथ अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करती हैं और हम तक, आप तक पहुंचाती हैं। बड़े बड़े उनके पसीने छूट रहे हैं इस समय,
उनके गाने जिस तरह से सीधे सीधे मार कर रहे हैं। आइए बताते हैं थोड़ा बहुत नेहा सिंह के बारे में, क्योंकि हमें और आपको इस नौजवान पीढ़ी के बारे में और इसके हौसले के बारे में कुछ सोचना चाहिए, इसके साथ खड़ा होना चाहिए। नेहा रहती हैं उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर में, कैमूर जिले में, एक छोटे से इलाके में जानदारा में। यहां पर उनके पिता और माँ को भोजपुरी के गाने बहुत पसंद रहे हैं, वो वहां के लोक कला में, लोक शैली में गाने गाती रही हैं भोजपुरी में। कानपुर से बीएससी करने के बाद नेहा ने सोचा कि वह अपनी भोजपुरी को ही अपना करियर बनाएंगी, इसी में आगे बढ़ेंगी, क्योंकि उनका जो सटायर था, उनका जो व्यंग था, वह उनके दोस्तों को बहुत पसंद आता था। तकरीबन एक साल पहले उन्होंने एक अपना YouTube चैनल बनाया धरोहर, और तब से लेकर आज तक 90,000 से अधिक उनके फॉलोवर्स हैं, हर जगह उनका वीडियो देखा जा रहा है। और सबसे खास बात, बिल्कुल ठेठ भोजपुरी लहजे में, बिना किसी अश्लीलता के, लेकिन धार वही जो गोरख की धार रही है, गोरख पांडे की धार रही है, आप पाएंगे कि उन्होंने जिस तरह से राजनीतिक सवालों को, बेरोजगारी को, झूठे प्रचार को, विकास के दमदमाते खोखले दावों को बेनकाब किया, उसने उनका एक जो पूरा का पूरा बाजार है, पूरा का पूरा उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको बहुत हौसला दिया। उन्होंने खुद बताया कि लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे एक्सपोज करती हैं, सीधे सीधे बात करती हैं। वो कहती हैं कि लोग बोलते हैं कि तुम्हारा हश्र गौरी लंकेश जैसा हो जाएगा, लेकिन नेहा का कहना है कि वह सच बोलने से पीछे नहीं हटेंगी। और खास तौर से चुनावी मौसम में, जिस तरह से चुनाव में बहस तेज हो रही है कि बिहार में किस तरह का विकास नीतीश और भाजपा सरकार ने पिछले सालों में किया है, उसमें नेहा का यह जो हस्तक्षेप है, इसे बहुत सराहा जा रहा है। खास तौर से उनका जो अभी एक गाना आया है, ल सुना जवाब काबा बिहार में, इसे बहुत देखा और सराहा जा रहा है। और इसमें खास तौर से उन्होंने जो तंज किया है विकास को लेकर, नीतीश के कुर्सी प्रेम को लेकर, उसे निश्चित तौर पर सुना जाना चाहिए। और ऐसा लगता है कि बिहार में ये जो चुनाव की पूरी धार चल रही है इस समय, जिस तरह से हिंसा की कोशिशों के बीच नए स्वर उभर रहे हैं, यह एक अलग ढंग के परिवर्तन की आहट दे रहे हैं। अरे गाय भैंस का चारा में प्रशासन के मुंह बोरल बा, गाय भैंस का चारा में प्रशासन के मुंह बोरल बा, अरमान रखल बा चैली पे करजवा डाहल खोरल बा, अरे काबा बिहार में काबा, सफाई कर्मी नर्स नाही ई कैसन अस्पताल बा, सफाई कर्मी नर्स नाही ई कैसन अस्पताल बा, दवाई बीरो खातिर भैया झेले के बड़ी बवाल बा, अरे काबा बिहार में काबा। चाहे वो नेहा हो या फिर हाथरस, चिन्मयानंद और बाकी जगहों पे लड़ने वाली लड़कियां, लड़कियों के सम्मान के लिए लड़ने वाले भारतीय नागरिक, वे सब भारत को बचाने के लिए उतरे हुए हैं। जिसके पास जो कुछ भी है, वह सब लेकर इस लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहा है। हम और आप, पत्रकार और मीडिया, वह भी कोशिश कर रहे हैं, छोटी बड़ी, कि यह अभिव्यक्ति की आजादी बरकरार रहे, और इसमें हमें चाहिए आपका साथ। देखिए, लाइक करिए न्यूज क्लिक खोज खबर, ताकि सच को जिंदा रखने का हमारा हौसला यूं ही रहे बुलंद। शुक्रिया।